हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस नए ब्लॉग में। आज मैं फ्री था, ड्यूटी नहीं थी, तो मैंने कहा कि एक ब्लॉग ही बना लेता हूँ। तो आइए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हमारे बहुत से व्यूवर्स सोचते होंगे कि ये फ्री रहता है जब देखो, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं एक दिन ड्यूटी करता हूँ और एक दिन रेस्ट करता हूँ। मतलब 24 घंटे ड्यूटी रहेगी मेरी और 24 घंटे रेस्ट रहता है, जिसमें कि फिर कोई कुछ नहीं बोल सकता। कहीं पर भी मैं घूम सकता हूँ 24 घंटे बाद, क्योंकि मैंने एक दिन की ड्यूटी पूरी कर लेता हूँ। तो आइए सबसे पहले, अभी टाइम हुआ है 8:30 बज रहा है, और मैं जाके पहले नाश्ता कर लेता हूँ, क्योंकि मैस की टाइमिंग ऐसी रहती है कि 8:30-9 बजे, क्योंकि आज मैं फ्री हूँ तो मैस वाले बोलेंगे कि फ्री हो तो फिर क्यों नहीं आए टाइम पे खाना खाने या नाश्ता करने। तो इसलिए अभी मैं जाता हूँ मैस में नाश्ता करता हूँ, फिर आके आपको और भी चीज़ बताता हूँ और भी वीडियो दिखाता हूँ, और मैं इसका भी वीडियो दिखाता हूँ आज क्या नाश्ते बनाए। तो आइए वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों, आज लगभग सारी गाड़ियाँ निकल चुकी हैं, जैसे कि आपने पहले वीडियो में देखा था, यहाँ पर सब गाड़ियाँ खड़ी रहती थी, अब निकल चुकी हैं। ये सिर्फ JCB खड़ी हुई है, तो वैसे भी 2-3 दिन से खड़ी हुई है। ये है सामने हमारा मैस, आप देख सकते हैं इस तरीके का मैस है हमारा। तो दोस्तों, नाश्ते में आज पूड़ी है, देख सकते हैं भाई खा रहा है, मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ आने में। तो दोस्तों, नाश्ता करके मैं फ्री हो गया हूँ, और नाश्ते में आज बना था छोले और पूड़ी। छोले पूड़ी था नाश्ते में, और नाश्ता जो है हर दिन चेंज होता है, कुछ ना कुछ डिफरेंस ही मिलेगा, अलग ही मिलेगा कुछ ना कुछ। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही चीज़ खिलाए हमेशा, नाश्ता अलग अलग मिलता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही होंगे कि समृद्धि महामार्ग जो रोड बन रहा है, वो टोटल कंक्रीट रोड बन रहा है। मतलब 0 पॉइंट से लेके 700 किलोमीटर तक, मतलब नागपुर से मुंबई तक ये जो रोड बन रहा है, ये टोटल रोड कंक्रीट रोड बन रहा है। मतलब रेता सीमेंट गिट्टी वाला जो रोड होता है, CC वाला रोड, वैसा ही CC रोड बन रहा है। और उसकी जो थिकनेस बोलते हैं, थिकनेस जो मोटाई बोलते हैं, चौड़ाई लंबाई तो खैर पूरा नॉलेज नहीं है मुझे, लेकिन हाँ जिस हिसाब से बन रहा है बहुत ही मज़बूत रोड बन रहा है, और उस हिसाब से गिट्टी वगैरह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इसके लिए। और रेता गिट्टी के लिए यहाँ पर एक क्रेशर लगी हुई है हमारी कंपनी के जस्ट सामने, जहाँ पर इन्हें मतलब बेस कैंप बनाया आएगा, वहीं पर थोड़े आगे 1 किलोमीटर आगे क्रेशर लगाई हुई है। तो वहाँ पर क्या होता है कि लगभग मेरे हिसाब से बोलते हैं, यहाँ के आदमी का कहना यह है कि नागपुर ज़िले की सबसे बड़ी क्रेशर यही है, जिस हिसाब से ये माल निकालती है। लगभग ये क्रेशर पता है, ये माल निकालती है लगभग 1 लाख टन 12 घंटे में निकाल देती है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मतलब ये कितना माल अभी निकाल चुकी है, और इतना ही माल लग भी चुका है रोडों में। तो अभी मैं आपको पीछे दिखाता हूँ कि कितनी रेत गिट्टी गिट्टी वगैरह या 20 mm या 10 mm निकाल चुके हैं, यहाँ पर स्टॉक करके रखे हैं। तो आइए देखते हैं, पीछे से आपको दिखाता हूँ बैक कैमरा करके। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मेरे सामने डस्ट है, क्योंकि रेता तो इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं हो पाती जिस हिसाब से रोड बन रहा है। ये जो 41 किलोमीटर का रोड हैगा, 31 किलोमीटर का रोड हैगा जो हमारी कंपनी ली हुई है, समृद्धि महामार्ग का, ये GSB है पीछे जो मैंने आपको अभी दिखाया, वो GSB है। और यहाँ पर डस्ट का भी स्टॉक हैगा, देख सकते हैं ये डस्ट का स्टॉक करके रखे हैं। और इसके बाद में आ जाओ तो इस साइड में आपको दिखा दूँ, तो ये जो है सामने बड़ा पहाड़ दिख रहा है, ये 20 mm का है, 10-20 है, अलग अलग है। आइए मैं उसको ऊपर चढ़ के आपको दिखाता हूँ, शायद वहाँ से क्रेशर भी दिखे तो क्रेशर भी दिखाता हूँ कि जो जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ नागपुर की सबसे बड़ी क्रेशर है, तो आपको हो सकता है दिखाता हूँ क्रेशर भी। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, मैं 20 mm के 10 mm के ऊपर चढ़ा हुआ हूँ, ये 10 mm गिट्टी है। और ये स्टॉक देख सकते हैं आप, ये मेरे पीछे भी इस साइड में स्टॉक हैगा, और यदि इस साइड में आ जाएं
तो इस साइड में मैं आपको दिखा दूँ, टोटल स्टॉक करा हुआ है यहाँ पर, लगभग 1 किलोमीटर या 700 मीटर के आसपास टोटल स्टॉक देख सकते हैं। एक्सकेवेटर भी चल रही है शिफ्टिंग करने के लिए, यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ शिफ्टिंग करने के लिए चल रही है। और जो क्रेशर बता रहा था मैं, ये है सामने वो क्रेशर, दिखाता हूँ मैं आपको जूम करके, सैंडिक कंपनी की क्रेशर लगी हुई है, देख सकते हैं ये है क्रेशर। एक बाजू में भी क्रेशर है लेकिन वो प्राइवेट है, ये प्राइवेट क्रेशर है और ये है कंपनी की क्रेशर। कमेंट करके बताएं कि यदि आपको क्रेशर को पास से देखना है तो मैं पास से भी आपको दिखाऊंगा, आप कमेंट करके बता दीजिएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं ये टोटल स्टॉक है। और दोस्तों ये है हमारा बेस कैंप, जो कि आप देख सकते हैं ये बेस कैंप 14 एकड़ में फैला हुआ है। ये जमीन 14 एकड़ है देख सकते हैं। और ये है हमारा रूम फर्स्ट वाला ये रूम है। और यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ तो ये है हमारा मैस देख सकते हैं, ये है हमारा मैस। और पीछे जो है पीछे साइड ये है गैरेज, ये गैरेज है। और यहीं से मैं आपको दिखाऊं तो ये इस साइड में ये ऑफिस है, और ये बाजू में इस साइड को ये इंजीनियर रूम है। और ये देख सकते हैं गिट्टी का स्टॉक पूरा, आप कितना स्टॉक है, मैं बिल्कुल सबसे ऊंचे जगह पे खड़ा हुआ हूँ आपको दिखाने के लिए। शायद आपको एक नीम का पेड़ दिख रहा होगा, ये देख सकते हैं नीम का पेड़ भी बिल्कुल छोटा दिखने लगा है, लग रहा है ये टोटल पहाड़ है लेकिन ये पहाड़ नहीं है, ये जो है स्टॉक करा हुआ है देख सकते हैं, टोटल स्टॉक करा हुआ है यहाँ। 10 mm 20 mm डस्ट वगैरह सब अलग अलग जगह में स्टॉक करके, क्योंकि दोस्तों लगता है ये जो मटेरियल है, यदि सोच लें कि इस मटेरियल को उठा कि ये मटेरियल को उठाना है तो लगभग 2 महीने के अंदर में ये पूरा मटेरियल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से गाड़ियां हैं, जिस हिसाब से गाड़ियां चलती हैं उस हिसाब से ये मटेरियल को 2 महीने में आराम से ही ख़त्म कर देंगे, पहुँच जाएगा ये 2-2.5 महीने 3 महीने में ये मटेरियल टोटल ख़त्म हो सकता है। और क्रेशर रेगुलर चलती है। और ये सामने साइड को बोर एरिया है, खदान बोलते जिसे, पत्थर खदान, एक यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर भी है साइड खदान है। पहले तो दोस्तों बहुत धूल उड़ती थी यहाँ पर, लेकिन जब से ये स्टॉक कर दिया है तब से धूल आना बंद हो गई। हाँ बट ये स्टॉक के चक्कर में एक चीज़ हो गया, नेटवर्क नहीं आता है, जो हमारा जियो का नेटवर्क रहता था ना वो नेटवर्क नहीं आता है। तो दोस्तों आपने देखा बेस कैंप और गिट्टी का स्टॉक। इसने के बाद में मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये आज का ये ब्लॉग, यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताएं। और हाँ दोस्तों कमेंट कर दिया करो, जिसमें कि मुझे भी पता चले कि मतलब मैं वीडियो सही बना रहा हूँ या नहीं, या आपको अच्छा लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है या नहीं, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते तो मुझे कैसे पता पड़ेगा। आप लोग कमेंट करके बता दिया करो यदि आपको अच्छा लगता है ब्लॉग तो ठीक है, वरना मैं अपना जैसा पहले मैं अपनी गाड़ी के बारे में दिखाता था वैसे ही दिखाऊंगा वीडियो। तो दोस्तों
धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद सभी को, भारत माता की जय दोस्तों।